ये कहानी है कोरोना पॉजिटिव मरीज फराह खान की, जो कि प्रेगनेंसी की अवस्था में 1 अप्रैल को हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई। एडमिशन के करीब 15 दिन के बाद उन्होंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जांच से पता चला कि वो बच्चा कोरोना निगेटिव है। इलाज के दौरान फराह और उनके बच्चे से हॉस्पिटल स्टाफ को काफी लगाव हो गया, इसलिए आज 26 अप्रैल को जब उनको डिस्चार्ज किया गया तो हॉस्पिटल प्रशासन एवं स्टाफ की तरफ से उनको तिलक चंदन कर बच्चे के लिए कपड़े, खिलौने एवं अन्य उपहार के साथ आरती उतार के विदाई दी गई। साथ में करीब 12 अन्य मरीजों को भी डिस्चार्ज किया गया। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कमी मतलब बिल्कुल नहीं महसूस नहीं हुई, जैसे एक माँ अपनी बेटी का ध्यान रखती है बिल्कुल ऐसे ही कल्पना मैडम ने मेरा ऐसा ध्यान रखा है। हर वक्त मुझसे आके पूछती खाना नहीं खाया, खाना क्यों नहीं खाया अभी तक रखा है, और मतलब कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही है। बेबी पेट में था और बेबी के बाद भी मतलब बेबी का भी और मेरा भी बहुत ध्यान रखा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ अरविंद हॉस्पिटल में सब डॉक्टरों का और जो कर्मचारी है सबका धन्यवाद करता हूँ आप सबका। मैं बहुत खुश हुआ, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे स्वस्थ हैं और अच्छे हैं, बढ़िया हैं, और शासन ने भी हमारी बहुत हमारी मदद करी इस चीज़ में, और हमारी कल्पना जी मैडम जो है उन्होंने बहुत साथ दिया, मेरी वाइफ का बहुत ध्यान रखा पूरे महीने, और कोई दिक्कत नहीं हुई। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।